चिंता की बात है कि हमारे देश में हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव गरीब और किसानों के लिए समर्पित रहेगी। तो तब से लेकर आज तक अगर आप उनके व्यक्तित्व को, उनकी कार्य पद्धति को, उनके सरकार के कार्यक्रमों को, उनके भाषणों को अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा जो मोदी जी ने जब कहा उसको धरती पर उतार कर दिखाने में उन्हें सफलता हासिल की। हम सबका सौभाग्य है कि इतना सबल और ताकतवर नेतृत्व आज हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को और देश को प्राप्त है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सब लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि निर्माण कार्य की जो राशि है उस राशि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जहां आवश्यकता है उसका उस हिसाब से वितरण करना चाहिए। वितरण में भी क्षेत्र के लोगों को न्याय लगे ऐसे वितरण की पद्धतियां हमें अपनाना चाहिए। ज़्यादा लोग हमारी वितरण व्यवस्था से सहमत हों, हमारी प्रशंसा करें, यह प्रयत्न हमारा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ निर्माण कार्य के अतिरिक्त जो काम हैं, अगर उन कामों पर हम ध्यान दे लें तो मैं समझता हूं कि हमको प्रशंसा भी ज्यादा मिलेगी और हमारे राजनीतिक जीवन में स्थायित्व भी अधिक आएगा और लोगों को भी लगेगा कि ये जनप्रतिनिधि बना इसके कारण इस योजना का लाभ हमको ठीक से मिल पाएगा।